हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने पढ़ा था शॉर्ट मिसिंग और शॉर्टेंड लिम्ब्स, फिर हमने पढ़ा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर हमने पढ़ा था क्लब फूट, फिर हमने पढ़ा था कर्वेचर ऑफ स्पाइन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेरेब्रल पैल्सी। शायद आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा हो, सॉरी जानते हो उसका नाम सेरेब्रल पैलेसी का। नो, ये चीज़ मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप शायद आप जानते हो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि इंडिया में हर साल मोर देन 1 मिलियन केसेस ये होते हैं। ये जो सेरेब्रल पैलेसी है ये अक्सर बच्चों में ही होती है, ये बच्चे की ही बीमारी है, बच्चों में होती है। तो आप सोच सकते हैं कि हर साल एक मिलियन बच्चे जो है इस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है। कंजेनिटल कहते हैं समथिंग विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी ये बर्थ से ही होता है। बर्थ से का मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, बिफोर बर्थ पैदाइश से पहले, ड्यूरिंग बर्थ पैदाइश के दौरान, और तीसरा है आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ, बिफोर द बर्थ में यह है कि किसी भी बच्चे को न्यूट्रिएंट्स ना मिलना या कोई भी चीज़ नहीं होना, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं होना, कोई किसी भी तरह की परेशानी हो ना, जिसकी वजह से उसको बिफ़ोर बर्थ ही कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई। ड्यूरिंग द बर्थ है कि बर्थ के प्रोसेस में ही किसी तरह का सही से जो है बर्थ नहीं हुई, जिसकी वजह से उस बच्चे को परेशानी हो गई। तीसरा है कि आफ्टर द बर्थ, यानी कि बच्चे को किसी तरह का पैदाइश के बाद उसको कोई इंजरी लग जाना, ब्रेन में इंजरी लग जाना, इस तरह की चीज़ें। तो कंजेनिटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, समथिंग प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, स्टार्टिंग से ही बच्चे को परेशानी है, तो चाहे वो बिफोर बर्थ हो, ड्यूरिंग बर्थ हो या आफ्टर बर्थ हो। फिर सेरेब्रल का तो हम ये समझे कि सेरेब्रल पैलेसी जो होता है कंजेनिटल डिसऑर्डर है, समथिंग विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। सेरेब्रल का मतलब होता है माइंड, ओके, सेरेब्रल का मतलब होता है माइंड, और पैलेसी का मतलब होता है इम्पेयरमेंट इन द मोटर फंक्शन। जो इंसान के जो मोटर फंक्शंस हैं, मोटर फंक्शंस आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है, आप जानते हैं कि मोटर फंक्शंस क्या होते हैं, साइकोलॉजी में आपने पढ़े होंगे, उन फंक्शंस में बच्चे को परेशानी होना। या जो आप बच्चा सामने देख रहे हैं, आप दूर से कोई भी देखेंगे तो बच्चे के हाथ पर एकदम नॉर्मल है, कोई मिसिंग नहीं है, कोई शॉर्टेंड नहीं है, कोई डिफॉर्म नहीं है, सारे लिम्ब्स सारी चीज़ें जो है हाथ पैर सब कुछ जो है सही से, उसके सही से फॉर्म हुए, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सही फिर भी उसके मोटर फंक्शंस में डिफेक्ट है उसकी। देखिए, आपको जब मैंने मीनिंग पढ़ाया था तो उसमें एक बात मैंने आपको बताई थी कि हमारा माइंड जो होता है, हमारा दिमाग जो होता है, वो हमें कोऑर्डिनेट करता है, वही हमें सब इंस्ट्रक्शंस देता है, वही हमसे सारे काम कराता है। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि जो दिमाग से जो है ना, वो सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुँचते हैं, जिसकी वजह से इंसान के मूवमेंट जो है अफेक्टेड होते हैं। अगर मुझे अभी प्यास लगी है, मैं उठूँगी, मुझे प्यास फील होती है, फील थर्स्ट, तो मैं उठूँगी और जाके उठूँगी, चल के जाऊँगी और जाके पानी पी लूँगी ग्लास से, ठीक है। तो मेरे जब मुझे फील हुआ तो मेरे दिमाग ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया, आई हैव टू गेट अप, खड़े होना है, मुझे खड़े होना है, चल के जाना है इस डायरेक्शन में, एक ग्लास मुझे उठाना है, एक बॉटल को मुझको उठाना है और उसको अपने मुँह तक ले जाके ड्रिंक करना है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है उसके माइंड से क्योंकि सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे, तो वो उठने में, चलने में, जाने में, किसी भी चीज़ को पकड़ने में वो असक्षम है।
आप जैसे देख रहे हैं कि ये बच्चे को ये नॉर्मली नहीं जल पा रहा है, इसको कितना सादा इसके साथ मशीन लगी हुई, एक तरह से एक एड लगा हुआ है, एड लगा हुआ है जिसकी मदद से ये चल पा रहा है, ये अपने आप को ये चल नहीं पाता, इसके मसल्स में एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सही से पोस्चर स्टैंडिंग पोजीशन हो या बैठने के पोजीशन हो, ये इसमें बच्चा नहीं बना पाता है, चीज़ों को सही से ग्रिप करके उठा नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें मसल टोन जो होती है वो बहुत अफेक्टेड होती है, आप बहुत ज़्यादा वीक होती है, स्पेसिटी होती है, स्पेसिटी जो का मतलब होता है एकदम टाइटनेस, जैसे कि हम आप हाथ पकड़ेंगे या पैर पकड़ेंगे बच्चे का तो आपको लगेगा कि जैसे आप लकड़ी का डंडा पकड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा वो टाइटनेस उसमें होती है, तो या फिर बहुत ज़्यादा वो लूज़ होगा, फ्लॉपीनेस होता है, तो इस ये बहुत एक बड़ी परेशानी है जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस पाए जा रहे हैं। खैर आगे चलते हैं, सिक्स्थ वन इज़ स्पाइना बिफीडा, इसको स्पाइन बिफीडा भी बोलते हैं और स्पाइना बिफीडा भी बोलते हैं, ये भी जो है एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है, डिफेक्ट है, ये भी बाय बर्थ होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सही से डेवलप नहीं हो पाते, आप देख रहे हैं कि ऊपर से एक राउंड शेप हो जा रहा है, ये क्लोज नहीं हो पाती, अच्छे से बंद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये ऐसा राउंड शेप में आ रहा है। तो ऊपर से जैसे कि मैंने ऐसा केस देखा है, इसमें जो है आपको जैसे हम किचन में काम करते हैं ना, तो किचन में काम करने के टाइम अगर हमारे हाथ पे कोई सी तरह की छींट आ जाती है, तेल की छींट आ जाती है, और अगर हमने सही से उसको फौरन पानी में नहीं अपना हाथ दिया है या कुछ नहीं लगाया क्रीम वगैरह, तो क्या होता है कुछ थोड़ी देर बाद ना वो स्किन जो है हमारी फूल जाती है, मोटा मोटा सा हो जाता है और अंदर में वाटरी वाटरी सब्सटेंस आ जाता है। तो इसी आप दूर से जब ऐसे देखेंगे ना बच्चे की स्किन को, इस तरह से पीछे उसका बैक जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो वही सब्सटेंस, वो वही फुला फुला स्किन, वही वाटरी है, लेकिन वो वैसा केस नहीं है, वो जो है ये एक बर्थ डिफेक्ट कि उसकी बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो सही से डेवलप नहीं हो पाई है, जो मसल्स हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाई है, क्लोज नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो गई है। और इसमें भी इंसान को सही से बैठने में भी पोस्चर बनाने में परेशानी होती है। आप फिर से अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको मैंने एक जो एक जो आपको मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें स्टीफन हॉकिंग्स हैं और अजीत जोगी हैं, इसमें एक जावेद अबीदी भी हैं जिनको मैंने सबसे लास्ट में दिया है, जावेद अबीदी जो व्हील चेयर पर बैठे हैं अगर आपको ध्यान हो, तो उनको भी यही परेशानी थी स्पाइना बिफीडा, तो वही था उनके पीछे में इस तरह से ये एक सर्कल एक मोटा सा इनका था, स्किन फूली हुई थी, तो उनको भी ये परेशानी थी। और उनका जब मैंने केस पढ़ा था तो उसमें उनको बहुत सारी स्टार्टिंग में उनको सर्जरीज हुई थी, लेकिन ये नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे वो भी व्हील चेयर पर आ गए थे क्योंकि वो बैठ नहीं पाते थे। तो ये भी एक बहुत इसमें इंटेलेक्चुअल फिज़िकल फिजिक उनको तो फिज़िकल डिसेबिलिटी थी क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते थे, और उन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनके केस में नहीं थी, लेकिन अक्सर कुछ केसेस में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत छोटा होता है, वो तो माशाल्लाह बहुत लंबी ज़िंदगी जिए थे क्योंकि उनके साथ उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको मिली थी, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिला था, वो अलीगढ़ के थे लेकिन वो बाहर चले गए थे, लेकिन अक्सर अगर अच्छा बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिले, सर्जरीज़ वगैरह उसकी नहीं हो, तो बच्चे का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बहुत कम हो जाता है और बहुत इनिशियल स्टेज में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। सेवेंथ है हमारा मैलफॉर्म्ड हिप्स, अभी तक हमने बोन्स की बात करी, अभी तक हमने मसल्स की बात करी, हम माइंड का भी सेरेब्रल का माइंड की भी हम बात ले आए कि किस तरह से हमारा माइंड जो है हमको हमारे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, अभी तक जॉइंट्स की बात नहीं हुई थी, ठीक है।
जॉइंट्स का रोल अब यहाँ पर इसमें आ गया है। देखिए हम मेलफॉर्म्ड हिप्स इज़ एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द हिप पॉइंट हिप जॉइंट वेयर द सॉकेट पोर्शन डज नॉट फुली कवर द बॉल पोर्शन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर जॉइंट डिसलोकेशन। देखिए हम लोग जो बैठते हैं बैठने की पोजीशन हो हमारे खड़े होने की पोजीशन हो हम खड़े से बैठे से हम लेट जाते हैं तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये जो हम नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं इसमें हमारे हिप जॉइंट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हिप अपने हिप जॉइंट की वजह से ही हम आसानी से खड़े से बैठ जाते हैं बैठ से हम लेट जाते हैं लेट के हम फिर से बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा ये हिप जॉइंट है ये एबनॉर्मल है ये सही से ये नहीं बना है ये जॉइंट का जो हमारी जो बोन्स हैं वो सही से फिक्स नहीं हो पाई हैं जो एक सॉकेट के फॉर्म में होता है ये सही से फॉर्म नहीं हो पाती जिसकी वजह से हमारे ये जो मेलफॉर्म्ड हिप्स जैसी बीमारी होती है और जो और इंसान को बैठने में चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो उसको भी वही फिर कुछ एड्स का कुछ सहारा लेना पड़ता है और तभी वो कुछ खड़ा हो पाता है बैठ पाता है। तो ये भी जो है एक ये अक्सर ये जानवरों में भी होती है ठीक है ये मेलफॉर्म हिप्स जो है जानवरों में भी ये केसेस होते हैं। चलिए फिर अपने लास्ट पे बढ़ते हैं पैरालिसिस इन वन और मोर लिम्स। पैरालिसिस इज़ नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू आप अच्छे से जानते हैं पैरालिसिस क्या होता है पक्षाघात होता है अक्सर जो है किसी भी वजह से किसी भी दूसरी वजह से इंसान के हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से जो है पैरालिसिस आदमी को हो जाता है। अच्छा ये ज़्यादातर जो होता है ये बड़े में होता है एडल्ट में होता है जिसको किसी दूसरी बीमारी की वजह से उसका पैरालिसिस हो गया या उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी दूसरी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया। यहाँ पर एक बात जो है कि कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मसल फंक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं कि या तो पूरा पैरालाइज्ड हो गया यानी पूरा कोई भी वो कुछ भी वो काम नहीं कर पाता है वो सिर्फ लेट हुआ है। दूसरा है कि आपके राइट पोर्शन में जो है आपका पैरालिसिस है या लेफ़्ट पोर्शन में पैरालिसिस है तो राइट में अगर है तो राइट का जो लिम्स हैं जो फंक्शंस हैं मोटर फंक्शंस हैं वो आदमी नहीं कर सकता है मसल फंक्शंस नहीं कर सकते हैं। लेफ़्ट में अगर है तो लेफ़्ट का हम नहीं वो लेफ़्ट का काम नहीं कर सकता है या ऊपर के पोर्शन में है या नीचे के पोर्शन में है तो अलग अलग तरह की इसमें भी है तो पैरालिसिस की वजह से भी इंसान अपना मोटर फंक्शंस नहीं कर पाता इसीलिए हम जो है इस मसल्स जो है उसके मसल फंक्शंस नहीं कर पाता है जिसकी वजह से इस कैटेगरी को भी पैरालिसिस को भी हमने ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के अंदर रखा है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे टाइप्स जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इससे ज़्यादा और आप अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो बुक्स हैं इंटरनेट है आप और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच टेक केयर।